मतलब हम लोग को तो पता था कि वेट नहीं लेगा, पिछले बार नहीं लिया तो हम लोग उतना वेट पे ध्यान। बार मेरिट में छठे थे तो इस बार हाइट में क्यों कम कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। पटना गर्दनीबाग हाई स्कूल में बिहार पुलिस सिपाही 8415 की शारीरिक माप जांच की प्रक्रिया चल रही है। लड़कियों की अभी शारीरिक माप जांच हो रही है। ऐसे में कुछ लड़कियां जो बाहर निकल कर आ रही हैं, कुछ का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा है हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि उन्हें उनका नहीं हुआ। आपका नाम? अनु कुमारी। क्या हुआ? मेरा वेट में 3 kg कम था, उसमें नहीं लिए। वेट कम था जी? कितना वेट मांगता है? 48 kg। 48 kg जी। और आपका कितना हो रहा था? 45 जी। तो पहले आप लोग जब दौड़ भाग अपना जो करती थी, प्रैक्टिस करती थी, तो उस समय वेट नहीं करती थी? नहीं, मतलब हम लोग को तो पता था कि वेट नहीं लेगा, पिछले बार नहीं लिया तो हम लोग उतना वेट पे ध्यान नहीं दिए, रनिंग डायरेक्ट करते तो रहे। तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ था ना? कोई जरूरी नहीं था, मतलब बस होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कितना हाइट है आपकी? 1.56। 1.56 तो आपके लिए 48 kg बोला जा रहा है कि होना चाहिए था। और बाकी सब कुछ सबसे पहले क्या होता हुआ? रनिंग होता है पहले। पहले रनिंग, उसके बाद? उसके बाद जंप होता है, फिर गोला रनिंग जंप हो गया जी, सब हो गया था, हाइट भी हो गया था, सिर्फ वेट में छटे हैं। वेट सबसे लास्ट में नापा गया जी। आपका नाम? सोनी कुमारी। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ हाइट में कम है, कम बोले। आपका हाइट में कम हुआ? हाँ, मेरा हाइट पिछले बार मेरिट में छटे थे तो इस बार हाइट में क्यों कम कर दिया गया। तो इससे पहले आपका भी हुआ था कभी? हाँ, मेरिट में छटे हुए हैं। किस चीज में? बिहार पुलिस 11,880 हुआ था ना उसी में। तो उसमें हाइट में प्रॉब्लम नहीं आया? नहीं था। कितना हाइट अभी मांग रहे हैं? अभी मांग रहे हैं 1.55। 1.55 हाँ। आपका कितना बताया? मेरा पहले से नपवाए थे जो पिछला बार भी था तो 1.55.2 था। अच्छा, और इससे पहले जो आप सिपाही वाले में बोल रही हैं कि मेरा हुआ था, मतलब हाँ, तो बोले ना कि 1.55.2 था उसमें, इसमें बता रहे हैं कि 54.2 है। बताइए कितना घोटाला हो रहा है अंदर, बढ़ा बढ़ा के हाइट लगाए हुए हैं। मतलब और वो भी इसी CSBC ही की तरफ से हुआ था? वो हाँ, वो कोई पैर भी नहीं था। हाँ, ऐसी हुआ था। और उसमें आपकी हाइट उस समय सही बताई? हाँ, पूरा फिजिकल की प्रक्रिया आप पूरी कर गई थी? हाँ। उसमें छाड़ा नहीं गया था? नहीं। और इस बार आपका प्रक्रिया नहीं हुआ? नहीं, मतलब हाइट में सारा चीज हो गया, रनिंग हो गया, जंप हो गया, 3-4 जंप कर लिए, गोला 16+ फेंक दिए, फिर भी हाइट में नहीं हुआ, नहीं लिए। यहाँ पिछला बार तो हो ही गया था। तो पिछले बार जो हुआ था कौन सा वो बैच था, क्या नाम था? जैसे 8415 है, वो कौन सा था जिसमें हुआ था? इसमें 11,880 था। 11,880 उसमें आपका हो गया था जी। और वो कहाँ हुआ था फिजिकल? यही गर्दनीबाग। गर्दनीबाग में हुआ जी। कब हुआ था, कौन साल में, कुछ याद है? जनवरी में हुआ था। इसी साल जी, 2021 जनवरी में हुआ था। जनवरी में। और उसमें हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया था? नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से इस अभ्यर्थी का कहना है कि जनवरी में जो बिहार सिपाही की बहाली हुई थी 11,000 के आसपास, उसमें इनका हाइट सही पाया गया था, उसमें इन्होंने शारीरिक माप जांच की प्रक्रिया को पूरी किया था, भले ही मेरिट लिस्ट में ये नहीं आई थी लेकिन फिजिकल में तब छांटी नहीं गई थी। इस बार जो 8415 पटना के गर्दनीबाग में बिहार पुलिस सिपाही प्रक्रिया के लिए शारीरिक माप जांच हो रही है, उसमें इनको हाइट के लिए छांट दिया गया है, तो ये एक तरह से कहा जाए तो सवाल खड़ा होता है उस प्रक्रिया पर, जो प्रक्रिया अपनाई गई, क्योंकि जिस प्रक्रिया को खुद उसी तरह से पूरा किया जा रहा है जिस तरह से हमेशा से किया जाता है, तो फिर एक बार उनकी हाइट पूरी हुई कैसे और दूसरी बार जब फिर वही बहाली हुई तो उसमें इनकी हाइट कैसे कम हो गई, ये सवाल खड़ा होता है, गौर करने की ज़रूरत है और इस पर ज़रूरत है कि इस तरह की अगर कोई शिकायत में सच्चाई है तो उसकी जांच की जाए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।